Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमको पॉसिबली हमारे जो द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज गाइस क्या वो हमको पॉसिबली जल्द ही उनके टीम ब्लड लाइन से जे उसो को निकालते हुए देख सकते हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप WWE रोमन रेंज और टीम ब्लडलाइन के बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस बात ऐसी है, क्या होता है कि सबसे गाइस सैमी ज़ेन ने ऑफिशियली रोमन रेंज की टीम द ब्लडलाइन ज्वाइन किया, तब से ही गाइस जे उसो का जो बदलाव है गाइस वो बहुत ही बढ़ गया है। गाइस आपको पता होगा जे उसो को कभी भी सैमी ज़ेन नहीं पसंद है, लेकिन गाइस क्या पता है गाइस आउट ऑफ द मून हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने गाइस सैमी ज़ेन को ब्लडलाइन में ले लिया है और उनको हॉनरेरी उसका भी टैग दे दिया है। और ये चीज से गाइस जो जे उसो है गाइस वो बहुत ही भर के हुए है हमारे रोमन रेंज के ऊपर। और हर टफ पार हो गई तभी गाइस रोमन रेंज ने सैमी ज़ेन को ब्लडलाइन का वाइस कैप्टन बना लिया। गाइस वाइस कैप्टन कैसा गाइस गाइस रोमन रेंज बोलते हैं कि अभी से जो जे उसो और जो जितने भी आपके लोग हैं वो सब आपके अंडर आते हैं, वो मेरे प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी गाइस ये चीज जे उसो को बिल्कुल नहीं पसंद है कि सब लोग आपको कोई बंदा पसंद नहीं है और वो ही आपका बॉस बन जाए, ये चीज जे उसो को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है और सीधा गाइस वो अफेक्ट कर रही है रोमन रेंज को। इसलिए उन्होंने जो स्मैकडाउन और रॉ के रीसेंट एपिसोड्स में देखा है कि गाइस रोमन रेंज भी गाइस जे उसो के वजह से भड़क जा रहे हैं और थोड़ा सा टीज हो रहा है जल्दी हमको जे उसो ब्लड लाइन में से भी निकाले जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कैसे इनडायरेक्टली रोमन रेंज को अफेक्ट कर रहा है। और आपको तो पता है कि रोमन रेंज का नेचर कैसा है टीवी के ऊपर, वो पूरे बॉसी टाइप है, उनको नहीं पता चल जाए उनको नहीं चलता है उनके सामने कि कोई उनके आगे भी खड़ा है। और अगर जे उसो ऐसे ही करते रहते कमिंग फ्यूचर गाइस रोमन रेंज जे उसो को अटैक करते हुए देख सकते हैं और पॉसिबली उनको टीम ब्लड लाइन से भी निकालते हुए देख सकते हैं। और ये पूरा एक मेन रीजन रहेगा सैमी ज़ेन के वजह से। गाइस मुझे अभी भी याद है गाइस मैं हंसता था कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में क्या कर रहे हैं और गाइस आज यही बंदा गाइस वजह बनने वाला है ब्लड लाइन के ब्रेकअप का। ये गाइस शायद से इन द कमिंग फ्यूचर जे उसो का जो गाइस बिहेवियर है गाइस वो थोड़ा भी चेंज नहीं होता है तो गाइस हमारे जो हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है गाइस वो जे उसो को अटैक करके ब्लड लाइन से भी निकाल सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर इन WWE। और गाइस अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।